हेलो दोस्तों, इंफ्रा मटेरियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इंफ्रा मटेरियल आ चुका है अपने एक नए वीडियो के अपडेट के साथ और आज हम हैं गाजीपुर के रेल कम रोड ब्रिज प्रोजेक्ट के अंदर बन रहे नए स्टेशन सोनवल स्टेशन पे, जो कि तारीघाट सेक्शन में आता है हमारा सोनवल स्टेशन। वहाँ पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, उसका इरेक्शन चल रहा है, तो वहाँ से हम लोग आपके लिए वीडियो लेके आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे, फुट ओवर ब्रिज का पूरा इरेक्शन हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस हम लोग स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक दिखाने वाले हैं। गर्डर के इरेक्शन से स्टार्ट करके असेंबली तक की सारी वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं वन बाई वन। तो चलिए, बिना किसी समय को गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये हमारा गर्डर आप देख पा रहे होंगे, ये बॉटम में प्लेसिंग है। 200 मीट्रिक टन का क्रेन है और 100 मीट्रिक टन का यहाँ पे बेल्ट लगा हुआ है। गर्डर को इरेक्शन करने से पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उसका पूजा पाठ किया जा रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ को करने से पहले श्रद्धाएँ जो होती हैं वो की जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, पूजा पाठ यहाँ पर कर जाने के बाद जो है गर्डर को जो है 200 मीट्रिक टन क्रेन की मदद से जो है उठा लिया गया है। आप देख पा रहे होंगे गर्डर का वेट जो है 27 मीट्रिक टन है। एक सिंगल गर्डर का वेट जो है 27 मीट्रिक टन है। आप देख पा रहे होंगे प्लेटफॉर्म नंबर वन से लेके प्लेटफॉर्म नंबर टू तक इसकी प्लेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो पहला गर्डर ऑलमोस्ट आप देखें कॉलम के ऊपर आ चुका है। तो जैसे पहले गर्डर की प्लेसिंग खत्म होती है, यहाँ पर सेकेंड गर्डर का लिफ्टिंग जो है स्टार्ट हो जाता है। आप लोग देख पाएंगे पहला गर्डर हमारा को अच्छी तरीके से प्लेसिंग हो चुका है। इसके बाद जो है इसकी बोल्टिंग की जाती है, क्योंकि इसका बोल्टिंग करने के बाद हम लोग सेकंड गर्डर उठाएंगे। तो पहले गर्डर का बोल्टिंग हो जाने के बाद अब हम लोग जो है सेकंड गर्डर की लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी है। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए हमारा जो पहला गर्डर प्लेसिंग है, जस्ट उसके सामने ही हमारा गर्डर जो है, जो दूसरा वाला गर्डर है, आपस में दो गर्डर जो ज्वाइंट होंगे, क्योंकि फुट ओवर ब्रिज का जो ब्रिथ है वो 3200 है और गर्डर की लेंथ जो है 40 मीटर है और एक गर्डर का वेट जो है 27 मीट्रिक टन है। ये जो हमारा क्रेन खड़ा है, 200 मीट्रिक टन का क्रेन जो है 18 मीटर के रेडियस पे दे रहा है। तो दोनों गर्डर की असेंबली हो जाने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये वीडियो हमारा है। दोनों गर्डर की असेंबली के बाद यहाँ से ट्रेन के संचालन को शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लोको इंजन का ट्रायल हो चुका है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक लोको वैगन जो है यहाँ से पास होता है। सेफ्टी फैक्टर को चेक करने के बाद, यहाँ पे हर चीज़ को सेटिस्फाई होने के बाद ये फुट ओवर ब्रिज का जो है इरेक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये पूरा एक प्रोसेस है, जिसको हमने ये लगभग 3 से 4 घंटे का प्रोसेस होता है, उसको कंपाइल करके हमने आपको 3 मिनट के अंदर दिखाया है।